बलिया जिले के बैरिया तहसील के सुरेमनपुर दियारांचल के गोपाल नगर टाड़ी पर सरयू नदी का कटान तेज हो गया है, जहां जितेंद्र यादव, श्रीराम यादव, अनिल यादव का घर सरयू नदी के कटान में विलीन हो गया। ग्रामीणों में लगातार कटान को देखकर दहशत की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में पहले ही विलीन हो चुकी है। पिछले 8 दिनों में कई लोगों के मकान कटान के जद में आने से वह अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने चले गए हैं। कटान पीड़ितों में से कुछ लोग अपने घरों को तोड़कर उपयोगी सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जहां भी जगह मिल रहा है वहां ले जा रहे हैं। अब सरयू नदी बिल्कुल बस्ती से सटकर बहने लगी है। आधा दर्जन से अधिक लोगों का आशियाना विगत दिनों कटान के जद में आ चुका है। खेत कट जाने से सैकड़ों परिवारों का रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। शासन द्वारा उपजाऊ खेतों के कटान को रोकने के लिए गत वर्ष 3,98,00,000 रुपए की लागत से कटान रोधी कार्य कराया गया था, परंतु वह कटान में समा चुका है। बस्ती को बचाने के लिए बाढ़ विभाग फ्लड फाइटिंग मद से बम्बू क्रेट विधि से कटान रोधी कार्य लगातार कर रहा है। हम लोग गोपाल नगर टाड़ी बस्ती को बचाने में लगे हुए हैं। बम्बू क्रेट विधि से कटान रोधी कार्य हो रहा है। उप जिला अधिकारी बैरिया आत्रेय मिश्रा ने बताया कि बाढ़ विभाग कटान रोधी कार्य करा रहा है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, बैरिया तहसील में गोपाल नगर जो टाड़ी गांव है, वहाँ के लोग अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, बंदे पर आ रहे हैं, और जो मकान है गिर भी रही है, लोग अपना असियाना हटा भी रहे हैं। सर, उसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही है लोग उसको? देखिए, गोपाल नगर टाड़ी गांव जो है ये घाघरा के किनारे स्थित है, वो निरंतर हम लोगों की निगाह में है। मैं 2 बार खुद जा चुका हूँ वहाँ पर। पिछले दिनों खतरे के निशान से जब घाघरा ऊपर बह रही थी, तो जो नदी के जस्ट किनारे मकान हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था। हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई थी और वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले भी गए हैं। आज की डेट में सरयू का पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। किसी भी स्थिति में किसी भी ग्रामीण भाई को, जनपदवासियों को बाढ़ की वजह से कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। UP60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।